वाराणसी के जिला न्यायालय में आज अहम सुनवाई। ज्ञान व्यापी और विश्वनाथ मंदिर के केस की सुनवाई वाराणसी कोर्ट में हो या फिर लखनऊ की वक्फ बोर्ड कोर्ट में, इस पर आज फैसला संभव। हाथरस केस में सीएम योगी ने की बड़ी कार्रवाई। एसपी विक्रांत वीर समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। वादी प्रतिवादी पुलिसकर्मियों का होगा नार्को टेस्ट, सभी का पॉलीग्राफी टेस्ट भी होगा। हाथरस के नए पुलिस अधीक्षक होंगे विनीत जायसवाल। सस्पेंड हुए एसपी विक्रांत वीर की जगह संभालेंगे चार्ज। हाथरस कांड पर सख्त सीएम योगी, ट्वीट करके कहा अपराधियों को ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में एक उदाहरण होगा। हाथरस कांड को लेकर यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा विभाग की राष्ट्रीय मंत्री गुलाब देवी का भावुक बयान। कहा इस घटना को लेकर सरकार बेहद चिंतित है, जांच के बाद दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। हाथरस कांड में पुलिस की कार्रवाई पर उमा भारती ने उठाए सवाल, ट्वीट कर लिखा कि ऐसा कोई नियम नहीं कि एसआईटी जांच के दौरान पीड़ित परिवार से कोई मिल ना सके। हाथरस की पीड़िता के रात में हुए अंतिम संस्कार पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने उठाए सवाल। कहा पुलिस को शव परिजनों को सौंपना चाहिए था। पुलिसकर्मियों के सस्पेंशन पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने सीएम योगी पर कसा तंज, पूछा कुछ मोहरों को सस्पेंड करने से क्या होगा। बलरामपुर में गैंगरेप पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुष्टि। आंख और लीवर में चोट की वजह से पीड़िता की मौत। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मथुरा में गोवर्धन पुलिस को बड़ी सफलता, 3 किलो गांजे के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस बरामद। फतेहपुर के मलाव गांव में सराफ व्यापारी से लूट और हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से मिले नकदी समेत कई ज्वेलरी बरामद। मथुरा के मांट नौझील मार्ग पर ट्रक ने सड़क पार कर रहे 6 साल के बच्चे को मारी टक्कर, बच्चे की मौके पर मौत। ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ में यूपीएसटीएफ ने अफीम की आपूर्ति करने वाले 15,000 के 2 इनामी तस्कर को गिरफ्तार किया। झांसी के सिपरी बाजार क्षेत्र में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 9 लाख के सोना चांदी के जेवरात और 3 लैपटॉप बरामद। सुल्तानपुर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर जग्गा और उसके 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 6 देसी बम और चोरी की 2 बाइक तमंचा बरामद। झांसी के छिड़गांव थाना पुलिस ने चोरों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। वहीं पर चोरी की 8 बाइकें बरामद। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बागपत कोतवाली क्षेत्र में एक किसान की हत्या के बाद शव को तेजाब से जलाने का प्रयास। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में कार सवार बदमाशों ने ट्रक मालिक और चालक से मारपीट की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। लोहिया संस्थान के स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को भेजे पोस्ट कार्ड, एनएचएम के बराबर वेतन देने की करी मांग। महाराजगंज के कोठीभार थाना क्षेत्र में एक लड़की ने पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट होकर आत्महत्या का प्रयास किया। लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फतेहपुर के सुजैनगंज थाना क्षेत्र में कार सवार बदमाशों ने ट्रक मालिक से की मारपीट। ट्रक मोड़ने को लेकर ट्रक चालक और ट्रक मालिक से मारपीट करने का आरोप। सहारनपुर में एक विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला। पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। मौके पर भारी फोर्स तैनात। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से की है टेस्ट कराने की अपील। महोबा के इंद्रकांत त्रिपाठी मामले में 5 नामजद आरोपियों में से 2 की गिरफ्तारी। तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदास समेत 3 की तलाश जारी। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में कार सवार बदमाशों ने ट्रक मालिक और चालक से मारपीट की। प्रयागराज के आजाद पार्क में मंचले को छात्रा से छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा। युवती ने अश्लील कमेंट करने पर एक युवक की बैर से पिटाई की। वीडियो वायरल। बहराइच में एक शख्स ने पत्नी को बेरहमी से पीटा। शख्स पत्नी से मांग रहा था 1 लाख रुपए, ना देने पर पत्नी की पिटाई की। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। आगरा में 2 डॉक्टर्स के बीच में मारपीट का वीडियो वायरल। आपसी विवाद को लेकर हुई दोनों डॉक्टर्स की बहस। बहस के बाद भिड़े दोनों डॉक्टर्स। मेरठ के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में प्रॉपर्टी डीलर की गोली लगने से मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
फतेहपुर में एक रेप पीड़ित को मिली जान से मारने की धमकी। पीड़ित का आरोप है कि मुकदमे में सुलह समझौता नहीं करने के चलते ये धमकी दी जा रही है। फरुखाबाद में पुलिस ने छापेमारी में नंदी सेना के प्रमुख के घर से 15 लाख रुपए बरामद किए। आरोप है कि ये पैसे आईपीएल के सट्टे के लिए रखे हुए थे। मौके से पुलिस ने विकास नाम के अभियुक्त को हिरासत में लिया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, एक बदमाश घायल, दो बदमाश फरार। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल। महराजगंज जिले में कोलहुई थाना क्षेत्र में कस्बे में तस्करों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने तस्करी के 5 गाड़ियों को जब्त कर लिया, एक तस्कर गिरफ्तार।